हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हाँ जी कलरा साहब, हेलो करो यार, हमेशा मुझे बोलना पड़ता है हेलो करो कलरा साहब। हेलो हेलो, क्या हाल है सब? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सबको नमस्ते। या एंड हेवेश एंड माहिम, आज हम सब जरा ऐसे ही निकले हैं बाहर। अब मौसम बहुत ही प्यारा है और इतनी अच्छी धूप है बाहर। और एक काम है, मतलब कार वॉश कराएंगे, और कार वॉश तो आपको दिखाई चुके हैं, तो उसमें क्या दिखाना है। तो कार वॉश कराएंगे, फटाफट निकलेंगे। आज हम थोड़ा घूमने फिरने के मूड से निकले हैं, क्योंकि मौसम भी अच्छा है। इट्स पॉजिटिव 1 डिग्री आउटसाइड एंड फील्स लाइक -1 है, तो अच्छा मौसम है। तो चलो लेट्स गो। मैक्सिमम 5:55 पे निकल जाएंगे, 4:50 हुए। हाँ ठीक है, धूप बहुत तेज है आज। शेड्स लगाने पड़ेंगे मुझे। आज शैली जी टिक्के बनाओगे रात को बालकनी में? सोचना पड़ेगा, ठंड ज्यादा नहीं हुई तो बन जाएंगे। तो आज मौसम अच्छा है तो ग्रिल खरीद के लाए आज एक। यार सोच के तो आए हैं कि जाएंगे, कहाँ पे जाना है अब? कनेडियन टायर अच्छी है, लेट्स चेक इट कनेडियन टायर, अदरवाइज लेट्स गो टू कॉस्को। कॉस्को या दोनों में से एक जगह से उठा लेते हैं। कॉस्को या कनेडियन, पहले कनेडियन टायर जाएंगे जो कि वहां देखते हैं। हाँ फिर देखते हैं। डन, ठीक है, ओके। चलो जी, इसके बाद अब हमारा नंबर है, लग गई गाड़ी अपनी। अब नंबर जो डाला है उसमें वो करो। हमने ना 5 खरीद लिए थे ना, ये पहले ब्लॉग में मैंने बताया था। हमने कार वॉश का ब्लॉग नहीं देखा तो देखना प्लीज, हमने उसमें पूरा दिखाया है कैसे कार वॉश कराई है हमने। चलो जी लेट्स गो इनसाइड, हमारी बारी, दूसरी गाड़ी निकल गई है, शुरू हो गई वॉशिंग। हमारा छोटा बेबी बहुत एक्साइटेड हो रहा है, फर्स्ट टाइम आ रहा है ये, पहले तो आए नहीं थे हमारे साथ, फर्स्ट टाइम आ रहा है कार वॉशिंग के लिए। हाँ क्या बोल रहे हैं अभिष? मैं कह रहा हूँ अगर मैंने एकदम शीशा खोल दे तो क्या होगा? हाँ खोल दे बेटा, शीशा खोल दे तू। नहीं फिर उस अंदर अभी तू घर से नहा के नहीं आया शायद, है ना? नहाना तुझे यहाँ पे। मैं नहा कर आया हूँ। तो फिर साफ सुथरा हूँ मैं बहुत। फिर बदमाशी करवा लो। पापा मैं शीशा खोल दूंगा तो क्या होगा? पता नहीं, जैसे छोटा बेबी है 2 साल का। मैंने बोला कि मैं सोच कर देखो, अगर वो शीशा खोल सोचना पड़ता है, मजा नहीं आता। बदमाशी बस करवा लो, साबुन मारेंगे। चलो जी हो गई गाड़ी, अब ये लोड रह रहा है, ये सुखा रहा है इसको। निकलो बाहर। ये देखो इधर ना वैक्यूम भी ये लगा हुआ है, वैक्यूम करना है ना गाड़ी को आपको, तो ये वैक्यूम क्लीन यहाँ से कर सकते हो गाड़ी अंदर से, अपने आप सेल्फ सर्विस है इसके। कितने पेमेंट है इसकी? मेरे ख्याल अभी तक मैंने की नहीं है, पर $1 या $2 के अंदर वैक्यूम आप कर सकते हो, 1 या 2 मिनट मिलते हैं। ओके, आप वैक्यूम कर रहे हो कि हवा भर रहे हो? हवा भर रहे हो। ओके ठीक है, टायर में हवा भर रही थी, फिर चलते हैं। देख लो कितनी साफ हो गई है। अच्छा वीडियो मैं नहीं, मम्मी बना रही, मम्मी नहीं मैं बना रहा हूँ, सॉरी। खुद ही भरनी होती है ना पापा शायद यहाँ पर? भाई हवा यहाँ खुद भरनी होती है, वैक्यूम खुद करना होता है, तो यहाँ पर कोई आपकी हवा नहीं भरता है कि आपने 10-20 रुपए दे दिए और आपकी हवा भर दी किसी ने। अच्छा गाड़ी का कुछ वो गिर गया निकल के, तो वो लेके आ रहे हैं सर। हाँ जी वी आर ऑल सेट, अब कहाँ चलना है बताओ? कनेडियन टायर ग्रिल देख के आते हैं, कुछ समझ आती है तो उठा लेंगे आज ही, क्योंकि ना पता क्या है समर्स में ना क्या होता है, समर्स में क्या होता है कि ना महंगी हो जाएंगी ये चीजें सारी, क्योंकि ये समर की आइटम है सब, तो अब लोगों ने ना खरीदनी शुरू कर रखी, सब जगह समर का सामान लग गया है, गार्डनिंग का और ये बारबेक्यू और सारा पिकनिक जो भी लोग जाते हैं, जो भी चाहिए होता है, सब चीज़ें लगनी शुरू हो गई हैं। तो हमने सोचा कि अभी कर लेते हैं, अगर ये शॉपिंग हमें करनी है तो डिसीजन लेते हैं और कुछ पसंद करके उसे खरीद लेते हैं अभी, बाद में फिर महंगी मिलेगी बहुत समर टाइम में, ठीक है ना गाड़ा साहब? ठीक है बिल्कुल। चलो जी चलते हैं कनेडियन टायर। पहुंच गए जी कनेडियन टायर। अब यहाँ पर
बहुत ज्यादा कनेडियन टायर तो हमने दिखाया हुआ है पहले भी, तो फटाफट चलते हैं ग्रिल जहाँ पे लगी है देखते हैं, ठीक है कुछ फाइनल करते हैं इससे पहले कि मैं कुछ और ले लूँ फिर यहाँ से। हाँ, सोच लो। चलो शैली जी फिर क्या देखने जा रहे हो आप? ग्रिल लेंगे सर, देखते हैं, पता नहीं लेंगे कि नहीं, पर जस्ट चेक करते हैं कि कौन सी सही। और वो रहे ग्रिल्स मिल गए वहां पर, लगे तो हुए हैं। चलो यहाँ तो बहुत सारी ऑप्शन है। ऑप्शन तो है लेकिन ये थोड़ी सी ये बजट से बाहर है। हाँ पर देखे नहीं अभी तो। हाँ ये बजट से बाहर है एक्चुअली। 900 यार चीज़ है बहुत जबरदस्त है। इधर से ये फ्लेम आएगी इसमें। okay. इनमें भी जलेगी फ्लेम क्योंकि ये प्रोपेन वाला है। ओके यार अपना घर हो तो ऐसी चीज लगाई जाए। ट्रू अदरवाइज तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मतलब ये छोटा सा भी कहने में छोटा सा बड़ी प्यारी क्वालिटी है। क्वालिटी बहुत सही है। राइट पता है ये यहाँ से वहाँ तक वहाँ पर ना धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं प्राइसेस अगर उस तरफ जाओ तो। पहले महंगा तो देख ले। हाँ ये बात भी है। पहले सस्ते वाले से कंपेयर अच्छा लग रहा है यार ये भी। हाँ पर इसमें एक वो नहीं है, रोटी सेकनी होंगी तो इस पर भी सीख सकती है। इसे बाहर ही सेक लें तवे पे, रोटी सेक के मजा नहीं आता यार। स्कैन करके अच्छा डिटेल है। ओके मेरे को सही लग रहा है ये, पर एक बारी मैं कंपेयर तो करे बिना लूंगी नहीं, कंपेयर भी करूंगी एक दो जगह से। जी तो बोलिए। बड़ी ही मतलब सही में अच्छी डील्स मिली हैं। एक डील मिली है $250 की, लेकिन शैली कह रही है साइड में रोटी बनाने के लिए ना उसमें चूल्हा नहीं। टिक्का बनेगा तो साथ में रोटी हमें तो चाहिए भाई साथ में, हम तो ब्रेड खाने वाले लोग हैं नहीं। अरे तो गार्लिक नान ले आओ ना वॉलमार्ट से। नहीं ना रोटी फुलका बना के खाना यार, गैस पे फुलका नहीं बना के खाया इतने दिन से, वो सेक सेक के खाना पड़ता है तवे पे। तो भाई वो वाला जो है ना वो $400 का है हिसाब किताब। तो और वो पूरा सेटअप भी करना पड़ेगा, मतलब ये टूल बॉक्स वगैरह भी खरीदना पड़ेगा, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। टूल बॉक्स यस राइट, वी नीड अ टूल बॉक्स टू प्रॉपर्ली असेंबल इट। सो हम जितना ये सोच रहे हैं कि इट इज इजी इतना है नहीं। चलो देखते हैं एक बार वॉलमार्ट में भी देखते हैं एक बार। ऑप्शंस है, लेट्स गो वॉलमार्ट। हाँ जी कनेडियन टायर से तो हम बाहर आ गए। दिखाओ एक बहुत ही शानदार चीज खरीदी हमने। चलो जबरदस्त दिखाओ जरा। टड़ा एक पलटा ले लिया हमने। देखो ये लिया है मैंने। अबे तो ये किसने लिया? अरे यार तुम्हारी पिटाई करने के लिए लिया है। नहीं ये मेरा जो रोटी सेकती हूँ ना जिससे वो टूट गया पलटा, तो इसलिए ये लेना पड़ा। ये इतनी बड़ी परचेजिंग की है हमने आज कैनेडियन टायर से, और अब वॉलमार्ट पे जा रहे हैं हम दूसरी बड़ी परचेजिंग करने। चलो वॉलमार्ट पे चल के ना अब कंपैरिजन करते हैं यार, फिर मूड बनाते हैं लेना है नहीं लेना है। क्योंकि एक बारी मेरी गाड़ी के अलॉयज दिखा पहले। हाँ हाँ जी जरूर। ये देखो जी पूरा एक चक्कर भी लगा। काला साहब खुद क्यों नहीं कुछ काम कर लेते आप? तो मेरे सारे काम मैं करूँ तो मैं ही ना कर रहा होता। हाँ तो बस
बड़े रूट रूट के भी दिखाना है आपको, आपके अकॉर्डिंग भी नहीं बनता वीडियो भैया, जनता के हिसाब से बनाना पड़ेगा ना। नहीं, हम नहीं जनता की मानते हैं, वो अपनी मानते हैं, अपने दिल की करते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये वाली जनता की हम नहीं सुनते, हम दूसरी जनता की सुनते हैं। अरे कैनेडियन टायर तो और वॉलमार्ट, बस इतना सही आ जाना है। काला साहब थक तो नहीं जाओगे आप? बहुत ज्यादा। तो मतलब पास में ही इसलिए मान गए, नहीं तो जाते नहीं। आज मैंने इनको बोला है आज देख के आते हैं। बेल्ट लगा लो। हाँ मैं लगा रही हूँ, सॉरी। ये देख लो भाई, वॉलमार्ट की भी काफी वैरायटी लगी हुई है ग्रिल में, 248 में। यार देखो 248 में क्या सही लगा हुआ है। ले लो ये, ले लो ये, नहीं अभी देख रहे हम। यार मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा। हाँ यार 248 में तो नॉट बैड। क्वालिटी बता कैसी है? यार क्वालिटी भी अच्छी है, कैनेडियन टायर में महंगे लगे हुए हैं। कितने का है ये? वही चीज है यार, सेम चीज, डबल रैकेट एंड $400। अभी इसे हटा और ये देखो, रोटी बनेगी यहाँ पे हमारी मस्त फर्स्ट क्लास। चूल्हा वाली रोटी बनाओगे? चूल्हे वाली नहीं, नहीं वो गैस पे बनेगी, ये तो गैस जलेगा ना यहाँ से। इसकी भी क्वालिटी ना वैसी है, सेम ही तो है। क्या फर्क है इसमें? इसमें भी चार बर्नर है, इसमें पांच बर्नर है, पांच बर्नर है और इसमें चार, इसमें भी पांच है। अच्छा इसमें छह है, इसमें छह है, यहाँ से गिनो, और इसमें पांच बर्नर है। देखो क्वालिटी तो दोनों की सेम है, तो पर है। ये $250 का है, वो $300 का है, इसमें भी है वो गैस वाला। लगी तो वही है यार, कितनी वैरायटी देखो, वहाँ तक पूरा जो पीछे तक आया है ना, सारा ही ग्रिल का है। ये 398 का है, इसमें और इसमें दो हैं, ये एक और ये दो, मतलब दो अलग अलग चीज़ों के लिए। सही है ये भी, फायरवुड डालने के लिए। दिखाओ क्या है इसके अंदर, रोज चारकोल एंड, अच्छा वो प्रोपेन और चारकोल दोनों पे चलेगा। वाओ हार्डवुड वाला नहीं है यार, 400 में ये तो बहुत ही शानदार चीज है। हार्डवुड है, अच्छा चारकोल ये वाली है वुड। हाँ ये 118 की है, ये आउटडोर मतलब आप ले जाओ गाड़ी में रखो, घर में भी यूज हो सकती है, आउटडोर भी ले जा सकते हो। ये भी अच्छी चीज लग रही है। क्वालिटी कैसी है इसकी? इट्स ओके। अच्छा इसमें कोयला डलेगा? हाँ, पर वो प्रोपेन वाली यार वो बहुत अच्छी है, $248 वाली। हाँ। उसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। हाँ। So let's think about it. Because उसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है क्योंकि उसमें खाली $250 की इन्वेस्टमेंट नहीं है। साथ में टूल बॉक्स भी लेना पड़ेगा, भी लेना पड़ेगा। प्रोपेन का सिलेंडर भी लेना पड़ेगा, $70-$75 का इनिशियली। तो वॉलमार्ट से लाने वाले थे, ले लो यहीं से मिल रही है तो टूल किट, वो छोटी वाली टूल किट भी है, और प्रोपेन सिलेंडर $75 का अलग लेना पड़ेगा। हाँ तो वो ये $400 पड़ जाएंगे हमें करीबन। थिंक लेट्स थिंक अबाउट इट, नो वी आर थिंकिंग अबाउट इट, बट बस थोड़ा सा मतलब आई थिंक 15-20 दिन रुक के करते हैं। हाँ हाँ जी, वॉलमार्ट से हम लेने के आए थे, एक चीज दिखा दो जरा, कौन सी लेने आए थे? ये लेने आए थे, ये लेने आए थे। क्या क्या ले लिया? सब ले लिया। अब यार आते हैं तो चीजें दिख जाती है, मटर खत्म हो गए थे घर में, एग्स खत्म हो गए थे, थोड़ी सी कोक ले ली बच्चों ने, पेंसिल नहीं थी माइम की खत्म हो गई थी वो ले ली, और ऐसे ही हो जाता है सामान। आओ तो खर्चा तो, हम मोगेम्बो के भतीजे हैं, आए हैं तो कुछ लेके जाएंगे हैं। कितने का बिल हो गया जी? 46.21 सर। ओके इसमें ना काम की चीजें हैं सारी, राइट? हाँ मतलब मोर और लेस। आओ शॉपिंग सेंटर तो कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। चलो लेट्स गो, ये थोड़ा सा हमें ना कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा आप करो। हम कैसे करें? चार गुना लग गया। और अभी ग्रिल का आइडिया ड्रॉप करते हैं, ठीक है?
अभी थोड़ा सा करते हैं ड्रॉप इसलिए, हाँ क्योंकि उसके साथ और दो खर्चे हैं $200 के, वो अभी हमने सोचा नहीं था कि वो भी होगा। रखो जी सामान, सामान रखिए और चलिए। अभी ड्रॉप कर रहे हैं हम आइडिया, अभी नहीं ले रहे, थोड़े दिन में सोचेंगे जब 250 की ग्रिल 350 की हो जाएगी काला साहब, तब लेंगे। छोटे चीज में मजा नहीं आता है भाई, जब 250 की 150 की होगी ना तब लूंगा वो अगले साल हो। अब है ना उसके साथ दो खर्चे में बताती हूँ क्या क्या है। एक तो टूल किट है ना, टूल किट है, और दूसरा है दूसरा क्या था, प्रोपेन का सिलेंडर, और तीसरी चीज, तीसरी और याद आ गई मुझे, तीसरी चीज है उसका कवर। हाँ वो तो सोचे ही, कवर तो मेरे को अभी याद आया है, तू मान के चलो, तो मान के चलो 200 और ढाई सौ, 450 की पड़ जाएगी ग्रिल, तो वो 450 का बजट नहीं है अभी, सीधी सी बात है। तो कोई नहीं, अभी चला लेंगे, टिक्के सेक लेती हूँ मैं घर में भी, कोई दिक्कत नहीं अंगूर खट्टे अभी चलो कोई नहीं, थोड़े दिन बाद ले लेंगे कुछ जुगाड़ बैठा के, ठीक है जी। चलिए मेरा एक सवाल, चलिए। हाँ जी, अंगूर खट्टे ही होते हैं, किसने बोला आपको? तूने खट्टे वाले खाए होंगे बेटा, हमने मीठे खाए हुए तुझे मीठे वाले खिलाएंगे, ठीक है। हाँ चलो जी, चलते हैं घर और व्लॉग को करते हैं यहीं पे हम बाय बाय। मे भी हो सकता है अभी घर जाके मैं आपको दिखाऊं खाएंगे क्या, तो आज हम मूड में नहीं है बनाने के, तो काला साहब समझ गए ना आप जी। हाँ तो बस चलते हैं और ब्लॉग अभी एंड नहीं करते, आपको दिखाते हैं हम खाएंगे क्या, ठीक घर है, चलते हैं, चलिए। हाँ जी, हाँ जी, अनदर बढ़िया वेल स्पेंट डे, वेल स्पेंट डे, मजेदार। इतनी दूर कुछ एक्सप्लोर करने गए थे, इतना सज धज के हम बस ये लेने गए थे और ये इतना सामान लाया जो वॉलमार्ट से वो भूल गया, तो इतना सज धज के मैं हुडी पजामा पहनने लगा, सज धजा तो नहीं लग रहा। चलिए जी, वैसे भूख लग रही है, मन ना बाहर कुछ खाने का हुआ नहीं एक्चुअली, हम अभी ना थोड़ी दाल मखनी और पनीर टिक्का मंगवाएंगे। yes. और नान हम लाए हैं वॉलमार्ट से मस्त वाले, गार्लिक नान, मैं दिखाऊंगी आपको, वो बहुत अच्छे बनते हैं, बिल्कुल इंडिया जैसे तो नहीं कहूंगी यार, वो मुकाबला तो नहीं है ताजे वाले का, पर कुछ मतलब थोड़ा सिमिलर है, थोड़ा क्लोज है, थोड़ा क्लोज है, 80% है, 100 नहीं है, इंडिया वाली बात नहीं हो सकती। हाँ तो ये तो फैक्ट है, और मैं ये कह रहा हूँ कि अदरवाइज अगर हम ये 15 नान का पैक लेके आए हैं, शायद $9 का शेयर, हाँ $9, और अगर 15 नान गार्लिक नान हम यहाँ से खरीदे मतलब रेस्टोरेंट से ले, तो $50 के पड़े, हाँ आराम से। तो क्यों फालतू पैसे क्यों खर्चने, वो भी ऐसी चीज पे जो मेरे को नहीं लगता कि, और ये उनसे बेटर है। हाँ सब्जी दाल ले, हाँ ना दाल मखनी खाने का बहुत टाइम से दिल कर रहा है, तो आज ने दाल मखनी और पनीर टिक्का बच्चे कह रहे खाना है, तो मैंने कहा ठीक है भाई दाल मखनी मंगा लेते हैं, और हमारे यहाँ पे श्री रेस्टोरेंट है, वहाँ पे अच्छी मिलती है दाल मखनी और पनीर टिक्का भी। हाँ ये रैबिट हिल रोड पे श्री रेस्टोरेंट है, तो वो बहुत अच्छी दाल मखनी और पनीर टिक्का बनाते हैं, तो हम मंगवाएंगे आपको दिखाएंगे। हाँ ओके, हाँ जी आपको कुछ कहना है? हाँ मुझे ये आप कहना बताना चाह रहे हैं कुछ, मेरे को स्कूल से चॉकलेट मिली थी बेचने के लिए, चैरिटी के लिए। अरे खा के खत्म कर, अरे नहीं अच्छा चैरिटी के लिए, हाँ, तो $3 की एक होती देखा है, कौन सा चॉकलेट का बड़ा बंड होता है, बड़े सही होती है, देखा कौन सा डब्बा मिला तुझे ये हाँ। अभी ना एक्चुअली स्कूल की छुट्टियां होगी ना, स्प्रिंग ब्रेक चल रही है इनकी, तभी ये फ्री होके घूम रहे हैं हमारे साथ, स्प्रिंग ब्रेक चल रही है, ये चॉकलेट का डब्बा पकड़ा दिया इसके टीचर ने कि बेटा इनको बेच दे, इसमें 30 होती है। हाँ तो अभी तक मैंने 10 दिखा, तो खोल के यार खोल के दिखा, अच्छा हाँ ये वाली चॉकलेट है, ये $3 ईच का पैकेट है एक, तो हैविश ने $10 की चॉकलेट तो हमें ही बेच दी है और आज $21 की चॉकलेट हमारे केयर टेकर आई थी लाना रिडल, तो वो ले गई है $21 की चॉकलेट, $21 मैं हैरान, आई विल बाय 7। हाँ तो ठीक है, उसमें से 7 लेके उसने एक हैविश को ही गिफ्ट कर दी, गिफ्ट कर दी शी इज वेरी स्वीट, इतना कैसे, मैंने बोला ले लो ले लो, कोई नहीं तो बाकी की अगर नहीं बिकी हैविश
अगर स्कूल में ट्राई मारी हो, नहीं बिकी तो हम ले लेंगे, कोई नहीं बिकी तो हम ले लेंगे, हम ले लेंगे, ऐसे नहीं देख लो, ये बड़ा खराब है, चॉकलेट देता नहीं है जब तक पैसे इसके हाथ में ना रख दो, पहले $3 लेता है फिर देगा एक चॉकलेट का पैकेट आपको। अच्छा अच्छा हाँ। पीयूष बंसल अगर अपने चश्मे ऐसे ही बांट रहा होता पैसे बाद में दे देंगे सर। ओहो क्या क्या मंडी, इसने क्या बात मारी है, इतनी नहीं, बढ़िया नहीं, बढ़िया बात मारी है, सही मतलब कि चश्मे नहीं, तूने एग्जांपल सही दिया भाई। हाँ? सही बात है, फ्री में थोड़ी बांट देंगे, बाद में दे देंगे पैसे, ही नहीं चलता, पहले दो पैसे पहले भैया। देखो रात के शाम के 8 बज रहे और आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ देखो कितना उजाला है, अभी धूप निकली हुई है 8 बजे, और जैसे जैसे अब टाइम समर्स आएंगे ना पास, तो ये ऐसे ही 10, 10:30, 11 बजे तक सूरज डूबा करेगा, तो बस यहाँ उजाला रहेगा ऐसा, और हैपनिंग हो जाएगी शाम के टाइम लाइफ। इतना सुंदर लग रहा है ना, अभी देख धूप पड़ रही है उस अपार्टमेंट पे, कितना सुंदर लग रहा है वो, ये स्नो और क्लियर हो जाए फिर। हाँ ये हो जाएगी, देखो ये रोज ऐसी पिघल जाती है, धूप निकलती है फिर आइस जम जाती है सारी, ये देखो ये सारी आइस जम, अभी तक घास दिखने लग गई है, देख साइडों से घास दिखने लग गई है। एक मिनट सामने देखो मम्मी। हाँ देखो वो थोड़ा सा नीचे गाड़ियों की तरफ करो, थोड़ा सा एक्सपेंड करो। अरे यार गाड़ियां छोड़ दे, अरे देखो तो मारुति, नेचुरल ब्यूटी देखने दे, देख कितना सुंदर आ रहा है व्यू। चलो जी मारुति खड़ी सामने। हाँ सही है। हाँ जी, हाँ तो ये वाले नान हैं, दिखाओ ये नान हैं गार्लिक। हाँ अब इनको बस सेक लो, थोड़ा सा हल्का हल्का घी लगा के ना सेक लेंगे। हाँ ये वाले नान हैं बीका जी के, ये $9 के 15 गार्लिक नान है तंदूरी, मस्त बनते हैं है ना मंडी, स्वाद होते हैं ना। मंडी को गार्लिक नान वैसे ही बहुत पसंद है, और हैविश को भी अच्छा लगता है ये वाला, वैसे नहीं खाता हैविश क्योंकि मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि आयुष को भी अच्छा लगता है, नहीं तो आयुष बोलेगा मैं तो खाता नहीं हूँ, पर ये आयुष को भी अच्छा लगता है ये वाला। अब महिम भैया इनको सेक लेंगे और फिर हम पापा जा रहे हैं अभी दाल मखनी और पनीर टिक्का लेने, जो कि पापा बैठे हैं आराम से, पापा कह रहे हैं मुझे प्रेशर मत दो, मैं नहीं जा रहा अभी नहीं जा रहा मैं। पापा जी हाँ जी जी थक गए आप, आ गए पापा जी रिलैक्सिंग मोड में, ये डब्बा ले जाना जी, ये वाला गाड़ी में वापस रखना है इसको, ये बहुत काम की चीज है। पापा जी बिजी हैं, नहीं देखेंगे हमारी तरफ, देख लो अभी भी नहीं देखे, ऐसी है ही है भाई, एक मिनट ये देख लो, इनको कोई मतलब नहीं। हाँ ये देखो टेक्सचर इसका वैसे ही होता है बिल्कुल नान वाला। यार तेरे को नया स्पैटुला दे दिया फिर तू टूटे वाले से बना रहा है, क्या करता है यार नया ले। ये देखो ये नान देखो टेक्सचर वैसा ही है इनका, पर देखो काम चला हुआ है, वो वाला मुकाबला तो नहीं कर सकते नानी, पर ये घी लगा के ना हल्का हल्का घी लगा के, हम ये वर्का वाला घी लेके आए थे, अच्छा घी है ये भी, नानक का भी अच्छा है वर्का का घी भी अच्छा है। तो ये सेक लेगा महिम, सेक के रखता जाएगा, महिम बहुत बढ़िया सेकता है लेकिन। हाँ महिम बहुत करारे करारे पापा के, मतलब मेरे को ज्यादा करारा पसंद नहीं है, पापा जी को करारे करारे पसंद है। बस सेक के रखता जाएगा, ढक दे उसको उससे तो ये नरम रहेगा। हाँ जी लेके आ रहे हैं सर। हाँ जी। और ये छुटकू राम साथ जा रहे हैं। हाँ, ये साथ जाएंगे क्योंकि इनको गाने सुनने ना, इनको तो 24 घंटे गाने सुनने, इनको कुछ करना नहीं और। हाँ भाई ओहो फोन छोड़ दिया अगर कभी 2 मिनट भी क्या, आ, आ, आ। नानू देखेंगे ना बहुत डांटेंगे कि तो हर टाइम फोन पे लगा रहता है। नहीं पर अच्छा, देखो नानू सीधा करेंगे, फोन अपना चेक किया मैंने, पूछो कितने गाने हैं मेरे फोन में। हाँ 900 कितने 73 वेरी गुड 973 52 एल्बम, वाह मेरे को खुद नहीं पता था। ये डब्बा उठा ले बेटा, ये गाड़ी में रखना है वापस, ये लेके जाओ। बहुत दिन से ना शुगर चेक नहीं किया मैंने, तो आज चेक करती हूँ, अच्छी ठीक ही होनी चाहिए यार, यहाँ पे एक्टिविटी ज्यादा है, शुगर मेरी जब से आई हूँ ना ठीक है, यहाँ पे सही रहती है, तो आज मैं चेक करती हूँ जो नॉन फास्टिंग मेरी कितनी आ रही है। लेट्स सी, आई होप कि ठीक ही हो।
बिल्कुल सही आई है यार। ये तो बहुत कम आई है, मेरी शुगर लो हो रही है, मुझे कुछ खिलाओ। 88 आई है, एक्चुअली लो आई है मेरी। तो जैसे मैंने ना, हम लोग घूम रहे थे तो मैंने कुछ खाया, मन ही नहीं कर रहा था। हम लोग टोटिया रैप और वो खा के गए थे ना, ऑमलेट वगैरह, बिल्कुल कुछ मन नहीं कर रहा था खाने का बाहर। तो मैंने वही बोला उनका, घर जाके खाएंगे एक बार, अब डिनर करेंगे। तो यार लो हो रही है मेरी शुगर, मही मुझे कुछ खिलाना पड़ेगा तुम्हें जल्दी से, ठीक है ना। तो देखो ये सही आई है मेरी शुगर और आई एम हैप्पी। थोड़ा कोकोनट शुगर वगैरह भी मैं लेती हूँ, तो मैंने बताया था आपको जैसे, तो बहुत बढ़िया चीज़ है वो। उसको थोड़ा ना उसका टेस्ट डेवलप करने में टाइम लगता है कोकोनट शुगर का ना, तो जब आप पीने लगोगे ना तो आपको सही लगेगा वो। और देखो हेल्थ का मामला है तो फिर तो स्वाद क्या देखना, तो ठीक रहने के लिए करना पड़ता है। तो आई एम हैप्पी कि मेरी शुगर अभी ठीक है। तो जो शुगर है ना वो नॉन फास्टिंग जो होती है, फास्टिंग होती है सुबह की जो हम उठ के करते हैं चेक, और नॉन फास्टिंग जैसे खाने के बाद की, तो काफ़ी गैप आ गया ना। तो शुगर होनी चाहिए नॉन फास्टिंग 140 से 160 के बीच में, तो मेरी 88 है, तो लो है, तो काफ़ी लो है। तो खाना वाना खाएंगे अभी, ठीक हो जाएगा, मैंने दवाई भी खा ली है। तो अब बस डिनर करके अपना आराम से बैठेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे। आज हम एक सीरीज हमारी इंडिया में हमने देखी थी मैनिफेस्ट, उसका जो लास्ट सीजन चल रहा है वो हम देख नहीं पाए थे, बहुत बिजी चल रहे थे। तो आज थोड़ा टाइम है, आज नेटफ्लिक्स पे देख लेंगे मैनिफेस्ट, देखना बहुत प्यारी सीरीज है, मज़ा आएगा उसको देखने में। तो चलो कालरा साहब आ रहे हैं, बस खाना लेके खाते हैं और फिर आराम से नेटफ्लिक्स देखेंगे। आ गए कालरा साहब, हाँ डिलीवरी आई है सर, आपका ऑर्डर, थैंक यू। यहाँ से पकड़ती, रुको, चलो जी ये डोर पकड़ ले। इसमें एक चटनी है, हाँ ये है दाल मखनी। क्वांटिटी भी ना अच्छी भेजते हैं, पनीर टिक्की की क्वांटिटी। यहाँ पे नान भी ऑलमोस्ट सारे सिक गए। अब ये कालरा साहब खाएंगे, करारे कर रहा है महिम उनके लिए। अरे वाह, तो करारा करारा नान ना मम्मी का चेहरा कालरा साहब को पसंद है वीडियो में। तो बस फिर ब्लॉग को एंड करते हैं सर, खाना खाते हैं। और मैंने बताया हम मैनिफेस्ट देखेंगे, आज लास्ट सीजन देख नहीं पाए थे ना, इंडिया में देखा था। तो नेटफ्लिक्स देखेंगे थोड़ी देर, नेटफ्लिक्स। और करते हैं जी बाय आज के ब्लॉग को यही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को। आप लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, कई लोग आते भी हैं चैनल पे और रेगुलर है, हाँ, पर सब्सक्राइब नहीं करते यार, प्लीज सब्सक्राइब करो, हमें सपोर्ट करो, हमें मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, और हम अच्छा अच्छा स्टफ ऐसे लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। तो टेक केयर, बाय फ्रॉम कनाडा एडमिंटन, from Kalra family. Phambal ho gaya, phambal. Bye. Bye.